रूट निर्धारण का निर्देश। पटना की सड़कों पर 5 वर्ष से दौड़ रही पुरानी बसें अब मुजफ्फरपुर और दरभंगा की सड़कों पर चलेंगी। दहशत, सिकंदरपुर में लाल निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा बूढ़ी गंडक का जलस्तर, शहर के नए इलाकों पर खतरा बढ़ा। सभी टीमों को जुट जाने का निर्देश। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव 10 चरणों में, 4 पद को ईवीएम से तो पंच सरपंच के लिए वैलेट से वोट। मुजफ्फरपुर के गली मोहल्लों में जमा है गंदा पानी, रोड निर्माण में स्लैब तोड़ नाले में डाला, सीआई ने कहा ठेकेदार की मनमानी से लोग परेशान। 5,17,000 की लूट सिवान में, डीएवी कॉलेज के पास कलेक्शन एजेंट से रुपए से भरा बैग छीनकर भागे अपराधी, छानबीन में जुटे पुलिस। बेतिया में व्यवसायी से 20 लाख की रंगदारी की मांग, गल्ला व्यवसायी को बदमाशों ने दी जान से मारने की धमकी, पूरा परिवार दहशत में। खाद्य सामग्री के बीच छिपा कर ले जा रही शराब जब्त, कैमूर में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त चेकिंग में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। तेज प्रताप की बिगड़ी सेहत, घर के बाहर लगी एम्बुलेंस, बुखार और बदन दर्द की शिकायत, तेजस्वी देखने पहुंचे, 6 दिन पहले लगवाई थी स्पुतनिक वैक्सीन। नहीं रहे हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग, दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी का तांडव, तटबंध में कटाव से दहशत में ग्रामीण। बिगड़े हालात अब मुजफ्फरपुर शहर में भी बाढ़, प्रदेश में बाढ़ का पानी नए इलाके में फैला, हजारों घर डूबे। पीएम मोदी को चिराग की धमकी, बोले चाचा पारस को मंत्री बनाया गया तो कोर्ट जाऊंगा, एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी मेरी है। कोरोना से माता पिता को खोने वाले 582 बच्चों को 3 साल तक प्रतिमाह मिलेंगे 500 रूपए। पिता रामविलास पासवान के रास्ते पर चिराग, सूरजभान सिंह चाचा के साथ चले गए तो चिराग के भूमिहारों के पढ़े लिखे नेता पूर्व सांसद अरुण कुमार को साथ मिलाया। चाचा भतीजे की लड़ाई में अब नया ट्विस्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चिराग पासवान देंगे चुनौती, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। पीएमसीएच में अब होगा ब्लैक फंगस का ऑपरेशन, एंडोस्कोपी मशीन की ब्लैक फंगस वार्ड में हुई व्यवस्था, सरकार को फर्जी रिपोर्ट भेज रहा था अस्पताल। बिहार के 24 जिलों में ब्लू अलर्ट, पश्चिमी पूर्वी चंपारण सिवान सारण में बादल छाए रहेंगे, उत्तर बिहार में हो सकती है बारिश, पटना में उमस से अभी नहीं मिलेगी राहत। नियुक्ति नहीं होने से फिजिकल शिक्षकों में नाराजगी, शिक्षा मंत्री ने धैर्य रखने को कहा तो संघ ने कहा हाईकोर्ट का आदेश है, हमारा सब्र अब टूट रहा है, एक दिन पहले हुआ था लाठीचार्ज। चिराग का दावा, नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे पहले जेडीयू टूटेगा। केंद्र की रिपोर्ट, क्राइम रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने में बिहार फिसला, 9 साल में 57% थानों में ही लगे कंप्यूटर, सिर्फ 2% कर्मियों को ट्रेनिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल पर नीतीश के बयान से हलचल, आरसीपी को आगे कर खुद को अलग किया, बोले मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, पीएम मोदी जो करेंगे बेहतर करेंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी, पटना यूनिवर्सिटी की जमीन पर अगले साल तक हो जाएगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण। गड्ढों में सड़क, नमामि गंगे के लिए राजधानी में खोदी थी 1100 किलोमीटर सड़कें, बारिश से और 100 किलोमीटर जर्जर। कोरोना का टीका, बुजुर्ग व दिव्यांगों को घर घर जाकर लगाया जाएगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर, सभी डीएम को निर्देश। बिहार में कोरोना से लड़ने की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बोले तीसरी लहर से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी, यहां सिर्फ 400 वेंटिलेटर थे अब 1200 हैं, 100 और आएंगे। बिहार में 12 जुलाई से स्कूल कॉलेज अनलॉक, 50% उपस्थिति के साथ 10वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ख्याल। पटना के उत्तरी मंदिर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब पार्टी करते दरोगा का बेटा, बिहार बोर्ड का कर्मी व एमआर गिरफ्तार। मोदी कैबिनेट का विस्तार, आज जेडीयू कोटे से आरसीपी समेत 3 मंत्री बनेंगे, केंद्र सरकार में बड़े फेरबदल का ब्लूप्रिंट तैयार, कई नए चेहरे शामिल होंगे। बिहार में गर्भवती महिलाओं को भी आज से कोरोना की वैक्सीन लगेगी, कतार में लगने से मिलेगी छूट। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू, 5 साल के बाद 12 जुलाई से फिर शुरू होगा सीएम का जनता दरबार, महीने के 3 सोमवार को होगा आयोजित।
मोतिहारी में सड़क हादसे में 3 की मौत। छपुआ मोतिहारी मेन रोड पर भीषण सड़क हादसा। अखबार लदी जीप में वाहन ने मारी टक्कर। जीप के उड़े पर खचे। 3 ने मौके पर ही तोड़ा दम। आरजेडी से जेडीओ के नीरज कुमार का सवाल। लालू राज में पशुपालकों की हालत कांग्रेस राज से भी बदतर क्यों हुई थी? दुग्ध उत्पादन की भी स्थिति दयनीय थी। पूर्णिया के चांदपुर बघा का वार्ड 11 बदहाल। 7 निश्चय योजना के तहत 6,08,800 की निकासी तो कर ली लेकिन रोड नहीं बनवाया। वार्ड सदस्य को नोटिस। पीडीएस दुकान से मिल रहा सड़ा चावल। छपरा में सड़ा चावल मिलने से लोगों में नाराजगी। कीड़े पड़े चावल खाने को मजबूर है लाभार्थी। बक्सर में पुलिस की गिरफ्त में 8 चोर। पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 स्कॉर्पियो, 9 मोबाइल और ज्वेलरी भी बरामद। भागलपुर में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। रेत के अवैध कारोबार को लेकर 2 पक्षों में झड़प। गोलीबारी में एक युवक को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर के गायघाट में बाढ़ के दौरान ध्वस्त सड़क बना जानलेवा। ग्रामीणों ने बिजली पोल रखकर शुरू किया आवागमन। दिलीप कुमार के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक बागमती व गंडक लाल निशान पार। नरौली में रिसाव 4 लेन पर शरण ले रहे पीड़ित। मोतिहारी के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचा राहत चिकित्सा शिविर। बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही दवा। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की कार्यों की समीक्षा। कहा कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले नहीं लड़ पाएंगे बिहार पंचायत चुनाव। गया में दृष्टिबाधित छात्रों को मिली सौगात। छात्राओं को उपलब्ध कराए गए सैनिटरी पैड। बच्चों के चेहरे पर छाई खुशी। पटना में वैक्सीन की किल्लत। लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दूसरे दिन निकले एरियल सर्वे पर। मिथिलांचल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। 7-8 जुलाई तक घर में ही रहे, बाहर न निकले। पूर्वी चंपारण के 14 ब्लॉक में भारी वज्रपात का अलर्ट। आज और कल घर से बाहर न निकले, सुरक्षित रहें। शिक्षक नियोजन में गजब की लापरवाही। काउंसलिंग सेंटर पर पहले 10 सीट पर 0 अभ्यर्थी दिखाए गए। हंगामा हुआ तो लिस्ट में दर्ज हो गए 605 अभ्यर्थी। पटना में कार ने मजदूरों को रौंदा। दानापुर में तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को रौंदा। 2 ने मौके पर ही तोड़ा दम। भागते समय कार भी गड्ढे में पलटी। 3 घायल। होटलों में बिना टीका वाला नहीं होगा वेटर। खाद्य सुरक्षा विभाग की नई गाइडलाइन। बिना सर्टिफिकेट नहीं कर पाएंगे काम। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए फैसला लिया। पटना सिटी में गांधी सेतु पर भीषण हादसा। बेलगाम ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। प्रेग्नेंट महिला के साथ 3 साल की मासूम ने तोड़ा दम। 1 घायल। नवादा में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। तस्करी के लिए पिकअप वैन से 330 केजी गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने किया बरामद। बाजार में कीमत 50 लाख। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।